नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां 12 माह सब्जी उगाई जाती है। चमोली जिला में बसा एक गांव जिसका नाम बड़ी सुरीली शब्दों में लिया जाता है। बड़ी बात यह है कि इस गांव में 12 माह सब्जी उगाई जाती है। यहां पर किसानों द्वारा हाथों से तैयार किया हुआ सब्जियां तमाम उत्तराखंड के छोटे मोटे बाजारों में जाकर के इसकी सप्लाई होती है। आपको बता दें, यहां पर अधिकतर लोग अपने खेतों में ताजी सब्जियां उगाते हैं। खास बात यह है कि यहां पर हजारों टन सेब के पैदावार भी की जाती है और साथ में इस गांव में 99% लोग खेतों में सब्जियां उगाते हैं। मात्र 1% लोग यहां पर सरकारी विभागों में सेवा करते हुए नजर आते हैं। यहाँ की महिलाएं भी बड़ी मेहनती होती हैं। यहाँ पर अधिकांश किसान जैविक खेती का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें, यहाँ के किसानों का कहना है कि इस गांव में ना ही कोल्ड स्टोर की व्यवस्था है और ना ही गोदामों की व्यवस्था है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के अधिकतर ग्रामीण बस खेती ही करते हैं। इस गांव में बड़े बड़े सेब के बगान देखने को मिलते हैं। तमाम प्रकार की फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। उत्तराखंड चमोली से देखें नवीन भंडारी की खास रिपोर्ट। जोशी मठ से 7 किलोमीटर की आगे की बात किया जाए तो बड़ागांव। बड़गांव में तमाम प्रकार की खेती यहाँ पर की जाती है। यहाँ के किसान बड़े मेहनती होते हैं जो कि यहाँ पर 12 माह यहाँ पर सब्जी उगाते हैं। यहीं से हजारों टन सेब की सप्लाई शहरों की तरफ किया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर जो तमाम प्रकार की जो फसलें उगाई जाती है, 12 माह की बात किया जाए तो यहाँ पर न कोल्ड स्टोर की व्यवस्था है, न ही यहाँ पर गोदाम की व्यवस्था है, जिससे यहाँ के स्थानीय किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो उस बर्फबारी के दौरान यहाँ के किसानों का कहना है कि जो अधिक मात्रा में जो बर्फबारी होती है, उस बर्फबारी से यहाँ के किसानों को काफी फायदा होता है। चाहे सेब के पेड़ के लिए बोला जाए, चाहे यहाँ के खेत की बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी आपको देखने को मिल सकती है। सीमांत घाटी का गाँव है ये, बड़ा गाँव, दूरदस्त गाँव है, लेकिन इस गाँव में हजारों सालों पहले से यहाँ पर लोग किसानी करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड खबर के लिए नवीन भंडारी की खास रिपोर्ट।